मेरा नाम है मिंजा मोंगा एंड आई एम वन ऑफ द कंटेस्टेंट ऑफ सबसे बड़ा खिलाड़ी एंड हम लोग 8 कंटेस्टेंट्स हैं. आई एम द ओनली फीमेल कंटेस्टेंट ऑफ दिस शो एंड हम लोग फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं गाइज cricbattle.com पे, विच इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग पोर्टल फॉर प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट. मैंने इससे पहले IPL कभी नहीं देखा है, टू बी फ्रैंक विद यू. इससे पहले मैं सिर्फ क्रिकेट मैचेस देखती थी अपनी फैमिली के साथ, भाई के साथ, डैड के साथ, बिकॉज दे आर बिग फैंस एंड आई हैव सीन ऑल द अदर मैचेस इन वर्ल्ड कप एंड ऑल, बट IPL मैंने कभी फॉलो नहीं किया. बिकॉज ऑफ दिस सबसे बड़ा खिलाड़ी एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मुझे टाइम मिल रहा है एंड आई एम फॉलोइंग दिस सीज़न एंड आई थॉट कि सिंस मैं यूट्यूबर हूँ तो क्यों ना रिव्यू वीडियोज़ बनाए जाएँ एंड बिकॉज आई एम रियली इन्जॉइंग क्रिकेट. सो आई थॉट अभी आज हम बात करेंगे RCB और SRH के मैच की जो कि कल हुआ था. एंड गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था. डेफिनेटली ये दिल्ली और पंजाब के जितना इंटरेस्टिंग मैच नहीं था, उसमें सुपर ओवर एंड ऑल हुआ था एंड इट टर्नड आउट टू बी वे सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग yesterday's मैच. बट येस ये मैच भी सरप्राइजिंग अब इस सेंस में कह सकते हैं कि लोगों ने प्रिडिक्ट किया होगा कि हैदराबाद जीतेगी, बट ये मैच कल का मैच बैंगलोर टीम जीती है एंड बहुत ही क्लोज मैच ये इस सेंस में कहा जाएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच ऐसा नहीं है कि किसी टीम ने बहुत अच्छा खेला, किसी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया. दोनों ही टीम्स ने इक्विवेलेंट परफॉर्म किया है. दोनों ही टीम्स में अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स इतना नहीं चले हैं. अगर देखा जाए तो बेयरस्ट्रो ने अच्छे रन्स लिए, अच्छे रन्स बनाए थे, डिविलियर्स ने अच्छे रन्स बनाए. लेकिन अगर यंगस्टर्स की तरफ देखा जाए लाइक मनीष पांडे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देवदत्त जिनका डेब्यू मैच था उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, रन्स एंड ऑल बनाए. बॉलर्स जो यंग बॉलर्स हैं, नए बॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत विकेट्स लिए. जो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा, इनफैक्ट वो विकेटलेस गए हैं देखा जाए तो. तो इन दैट केस मैं कहूँगी कि ये मैच में हमें नए प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखने मिली एंड उन्होंने काफ़ी अच्छी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दी इस मैच में, कल के मैच में. तो जैसे मैंने आपको बोला कि बैंगलोर के हक में गया था कल का मैच. तो दिस आई हैव टोल्ड यू इन शॉर्ट अबाउट स्निपेट्स ऑफ द मैच. यू कैन से युजवेंद्र चहल का नाम मुझे लेना चाहिए. युजवेंद्र चहल इज़ द पर्सन जिसकी वजह से यू कैन से बैंगलोर ने जीत अपनी रजिस्टर की, बिकॉज उन्होंने बने बनाए जो सेट प्लेयर्स थे उनको युजवेंद्र चहल ने आउट किया. उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे एंड उसके बाद मैच, ये मैच का टर्निंग पॉइंट था, उसके बाद मैच बिल्कुल पलट गया. तो या गाइस, सो दिस इज़ इन शॉर्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मैच. नाउ वी विल टॉक इन डिटेल गाइस. सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ओवर से. फर्स्ट इनिंग्स में बैंगलोर आई थी बैटिंग के लिए एंड फर्स्ट ओवर में भुवनेश्वर ने बॉलिंग करानी शुरू की हैदराबाद की तरफ से. भुवनेश्वर ने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन्स दिए, 1 वाइड बॉल थी और 1 रन ऐसे ही मिल गया उनको. तो सेकेंड ओवर में आए संदीप शर्मा जिन्होंने 11 रन्स दिए. उसके बाद फिर भुवनेश्वर आए, उन्होंने 7 रन्स दिए. देन चौथे ओवर में आए नटराजन ने बहुत अच्छा खेला है. नटराजन ने वैसे 4th ओवर में ही गेव रन्स, उन्होंने काफ़ी रन्स पास ऑन किए. 12 रन बनाए देवदत्त ने, जिसका मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने. तो देवदत्त ने चौथे ओवर में 12 रन बनाए गाइस, 3 चौके मारे उन्होंने नटरंजन की बॉल्स पे. तो ही इज़ अ न्यू प्लेयर ऑफ बैंगलोर. तो काबिले तारीफ परफॉर्मेंस रही है नटरंजन की इस मैच में, नटराजन की इस मैच में. उसके बाद 5th ओवर में आए बॉलिंग करवाने मिशेल मार्श. ये थोड़ा सा सैड मोमेंट था गाइस, मुझे बहुत बुरा लगा मिशेल मार्श के लिए, बिकॉज ही सच अ गुड प्लेयर, ही सच अ नाइस प्लेयर एंड बट उनका वही इंजरी का थोड़ा सा वो है, इंजर्ड काफ़ी होते रहते हैं एंड उन्होंने 4 बॉल्स कराई, 4 बॉल्स में 6 रन मिले बैंगलोर को एंड उसके बाद वो इंजर्ड हो गए. तो विच वॉज अ वेरी सैड मोमेंट एंड इट्स एक्चुअली अ सेट बैक, इट वॉज अ सेट बैक फॉर हैदराबाद बिकॉज वो बैटिंग में भी नहीं चल पाए. बाद में आए थे, उन्होंने ट्राई किया बट नहीं आ पाए, नहीं कर खेल पाए वो. तो इसके बाद मिशेल मार्श के जब इंजर्ड हो गए तो मिड ओवर में शंकर आए बॉलिंग करवाने. शंकर का बॉलिंग तो गाइज बहुत ही आयशत से फनी, इंटरेस्टिंग, क्या मतलब हिलेरियस है, मैं आपको बताती हूँ. शंकर ने पहली बॉल करवाई तो वो बॉल थी, पहली बॉल ही थी नो बॉल. ओके, नो बॉल के बाद जो फ्री हिट मिला उसमें बैंगलोर टीम ने छक्का मारा. अब बाद में जब छक्का मारा, बाद में देखा गया कि जो दूसरी बॉल कराई है फ्री हिट वाली, छक्का जिस पर पड़ा है, वो बॉल भी शंकर ने
नो बॉल करा दी थी। फिर एक और फ्री हिट मिला, उस फ्री हिट में चलो थैंकफुली जो करेक्ट करेक्ट बॉल फेंकी शंकर ने एंड एक ही रन मिला बैंगलोर को, तो दैट वाज ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट बॉल उन्होंने वाइड रन वाइड बॉल करा दी जिसपे एक रन मिल गया। फिर उसके बाद जो उन्होंने वाइड बॉल के बाद बॉल करवाई उसके अंदर नो रन गया। सो इट वॉज काइंड ऑफ हिलेरियस एंड फनी मोमेंट एंड सो दिस वॉज रियली नाइस। एंड उसके बाद के ओवर में गाइज आए संदीप शर्मा, संदीप शर्मा ने 5 रन दिए। देन उसके बाद राशिद आए, राशिद ने 6 रन दिए बैंगलोर को। फिर उसके बाद नटराजन आए दोबारा, नटराजन ने 8th ओवर में 5 रन दिए। फिर 9th ओवर में राशिद आए, राशिद ने 11 रन दिए। तो आप देख रहे हैं मतलब कि विकेट जो इतने अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जैसे भुवनेश्वर हो गए, राशिद खान हो गए, वो विकेट लेस गए हैं, मिशेल मार्श इंजर्ड हो गए। तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं इस गेम में ज़्यादा नहीं चले हैं। ये गेम की मेरे ख्याल से अगर दावेदारी देनी चाहिए किसी को तो नए प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा खेला है। तो उसके बाद 10th ओवर में गाइस, 10th ओवर बहुत ही इंटरेस्टिंग ओवर रहा है। 10th ओवर में देवदत्त जो बैटिंग कर रहे थे बैंगलोर की तरफ से, जिनका डेब्यू मैच था बैंगलोर में, 10th ओवर में आप देखेंगे उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट मारा। उस इंटरेस्टिंग शॉट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो शॉट ना, उस शॉट पे वो आउट हो सकते थे लेकिन राशिद खान ने बॉल को मिसजज किया जिसकी वजह से वो बच गए। तो इस शॉट की मैं बात कर रही हूँ जो उन्होंने स्लॉग स्वीप शॉट मारा था एट ऑन वन नी देवदत्त ने। अब ये स्लॉग स्वीप शॉट जब मारा तो राशिद खान को लगा कि ये जो बॉल है ये फ्लैट आ रही है, तो वो उस हिसाब से उस बॉल को कैच करने गए। लेकिन बाद में उनको रियलाइज है कि ये तो ऊपर से जा रही है एंड देन वो स्लिप कर गए, वो नहीं कैच पकड़ पाए। तो उनके मिस जजमेंट मतलब जज नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ दैट देवदत्त बच गए। तो यू कैन से कि लक बाय, ये उनका लक उनका साथ दे रहा था कि वो आउट होने से बच गए इस बॉल पे। और मैं ये कहूँगी कि ये लक उनको मिलना भी चाहिए था। कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हो एंड आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है, तो लक भी आपका साथ देता है। तो ये लक मैं ये कहूँगी देवदत्त के लिए वेल डिजर्विंग था एंड ही प्लेड रियली वेल। इसके बाद 11th ओवर में गाइज देवदत्त आउट हुए हैं एंड आउट हुए हैं वो 11th ओवर की आखिरी बॉल पे। विजय शंकर ने उनको बोल्ड किया है एंड इनसाइड एज पे बॉल लग के विकेट के अंदर घुस गई। सो इट सो द बॉल क्रैश्ड इन विकेट इन द 11th ओवर। सो उसके बाद 12th ओवर में आपके फिंच आउट हो गए। फिंच भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने अच्छा खेला था, बट ठीक है इतना मतलब स्टिल देवदत्त आई शुड से कि ही प्लेड रियली वेल फॉर बैंगलोर। देन उसके बाद फिंच आउट हुए, फिंच को आउट किया है अभिषेक शर्मा ने एंड LBW हुए फिंच। एंड हम सबको पता है फिंच का जो वीक पॉइंट है वो यही है कि यूजुअली वो लेग बिफोर होते हैं। देन उसके बाद आपके आए उसके बाद गाइस 16th ओवर में, 16th ओवर भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा था गाइस। 16th ओवर में आए कोहली खेलने एंड नटराजन सोचिए, नटराजन ने कोहली को आउट किया गाइस। तो नटराजन ने वैसे तो इनिशियल ओवर्स में हमने देखा कि काफ़ी रन्स पास ऑन किए, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। आई थिंक ही विल बी वेरी हैप्पी नटराजन की IPL 2020 का उनका पहला विकेट एकदम धुरंधर प्लेयर का रहा है जो कि विराट कोहली है। तो विराट कोहली का विकेट मिला विच इज़ रियली गुड, यू नो नटराजन के पार्ट पे इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने विराट कोहली को आउट किया। 14 रन उन्होंने मारे थे 13 बॉल पे विराट कोहली ने। तो आप देखिए जैसे विराट कोहली आउट हो गए तो बने बनाए जो जमे मतलब एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं इस गेम में नहीं चले। तो देन 20th ओवर में गाइज आपके आए खेलने डिविलियर्स और आए शिवम दुबे ओके RCB की टीम से। एंड डिविलियर्स को गाइज आउट किया मनीष पांडे ने एंड शिवम दुबे को आउट किया बेयरस्टो ने। तो दोनों ही अमेजिंग प्लेयर्स गाइज ऑफ जो बोलर्स हैं अपने मनीष पांडे और बेयरस्टो, इन दोनों ने हैदराबाद की टीम में कमाल किया है। बहुत सही इन्होंने बैटिंग की है एंड बोलिंग भी आप देखिए 20th ओवर में दोनों ने एक एक विकेट लिया है डिविलियर्स का, जो कि बहुत ही अहम विकेट था बैंगलोर का, वरना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी बैंगलोर ही जीती है बट इट्स अ वेरी गुड विकेट विच मनीष पांडे टुक बिकॉज डिविलियर्स तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने गाइज 30 बॉल्स पे 50 रन मारे हैं
डिविलियर्स ने, एंड इसीलिए उनको 360 डिग्री बैट्समैन कहा जाता है. ऐसे ही तो नहीं कहते उनको 360 डिग्री बैट्समैन. तो अब हम बात करेंगे सेकेंड इनिंग्स की. सेकेंड इनिंग्स में आए हैदराबाद से वार्नर, जो कि उमेश यादव ने वार्नर को रन आउट कर दिया. देन आपके मनीष पांडे और बेयरस्टो टिके हुए थे. मनीष पांडे ने बनाए 34 रन्स एंड बेयरस्टो ने बनाए 61 रन्स. तो मनीष पांडे 11th ओवर यानी कि 11.6 12th ओवर में वो आउट हो गए एंड बेयरस्टो आउट हो गए आपके 15th ओवर में. एंड मनीष पांडे को और बेयरस्टो को और विजय शंकर को चहल ने आउट किया. एंड ये तीन विकेट जो चहल ने लिए, युजवेंद्र चहल ने लिए, ये मैच का टर्निंग पॉइंट था. बिकॉज बने बनाए जो मतलब जो सेट बैट्समैन थे उनको चहल ने आउट किया एंड उसके बाद मैच का रुख पलट गया. एंड इसके बाद इनफैक्ट इन तीनों ये जो तीन विकेट्स गए उसके बाद प्लेयर आए अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्मा का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज एक यू नो फॉर्म बनी हुई थी टीम की, हैदराबाद टीम की, कि तीन लोग बैक टू बैक आउट किए थे चहल ने. तो यू कैन से पहले ओवर का जो लास्ट बॉल थी शायद उसमें एक प्लेयर आउट हुआ था, फिर एक बॉल उन्होंने करवाई, फिर दो बॉल पे बैक टू बैक दो विकेट्स उन्होंने बैक टू बैक लिए थे युजवेंद्र ने. तो एक टीम का मोराल डाउन हो जाता है एंड अभिषेक शर्मा आते हैं क्रीज पे एंड पहली बॉल पे ही अभिषेक शर्मा चौका मारते, मतलब कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हूँ टाइप्स. तो वो एक चीज़ मतलब यू नो पहली बॉल पर जब उन्होंने चौका मारा तो एकदम वाओ वाली फील आई थी मुझे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा था, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हिज नेम. उसके बाद मैं बात करूँगी राइट. सो उसके बाद आई मतलब आई हैव टोल्ड यू लाइक यू नो प्लेयर्स जो मेन जो बैट्समैन खेले थे वो तो बेयरस्टो है 61 एंड मनीष पांडे है 34. तो यू कैन से कि 163 या 164 160 का आई थिंक चेज था ना. तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक 160 का चेस था गाइस. एंड ये जो दो प्लेयर्स थे ये आउट हुए मेन, तो उसके बाद मैच का रुख ही बदल गया था. ये मैच में अगर हम देखेंगे तो आप जैसे मैंने बताया कि नटराजन थे जिन्होंने कोहली का विकेट लिया था, विजय शंकर थे जिन्होंने एक विकेट लिया, अभिषेक शर्मा जो हैं उन्होंने एक विकेट लिया. तो नए प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है हैदराबाद से बॉलर्स ने. भुवनेश्वर विकेटलेस गए, राशिद खान विकेटलेस गए, मिशेल मार्श इंजर्ड हो गए. देन हैदराबाद से बैट्समैन मैंने आपको बताया जिन लोगों ने परफॉर्म किया. आरसीबी के जो बॉलर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. नवदीप सैनी ने दो विकेट्स लिए, चहल ने तीन विकेट्स लिए जिसके बाद मैच का रुख पलट गया. शिवम दुबे ने भी दो विकेट्स लिए विच वॉज रियली गुड. तो ये विकेट मतलब ये बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड बिकॉज ऑफ विच लास्ट में विराट कोहली ने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था, सिक्स मारा था किसी प्लेयर ने. यस इसने मिशेल मार्श आए थे, मेरे को लास्ट के ओवर्स का याद नहीं आ रहा था, हैदराबाद से मिशेल मार्श आए थे. मिशेल मार्श इंजर्ड थे तो मिशेल मार्श ने आके एक तो वो इतना सैड लग रहा था, ऐसे आते ही उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मारा एंड वो विराट कोहली ने कैच किया तो मिशेल मार्श आउट हुआ एंड उसके बाद तो लगा कि अब तो गेम ख़त्म ही हो गया लाइक वैसे. एंड मिशेल मार्श जब जा रहे थे वापस पवेलियन तो लॉट ऑफ प्लेयर्स वर कमिंग टू हेल्प हिम बिकॉज वो थोड़ा सा यू नो लंगड़ा के चल रहे थे एंड उन्होंने मतलब बोला कि नहीं मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, वन पर्सन वॉज हेल्पिंग डैट वॉज ओके. सो ही एंड वो जब बोल रहे थे ना कि लाइक गो अवे लाइक टाइप्स आई डोंट नीड हेल्प ऐसा, तो उनके फेस पे वो दिख रही थी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन सैडनेस मिशेल मार्श के फेस पे. तो वो मुझे बहुत ही सैड मोमेंट लगा एंड में मैच कि यू नो एक सॉफ्ट कॉर्नर था टूवर्ड्स मिशेल मार्श. तो एक और बात मैं आपको बताना भूलूँगी, राशिद खान आए थे बैटिंग करने हैदराबाद के लिए एंड राशिद खान भी इंजर्ड हो गए तो राशिद खान भी खेल नहीं पाए. राशिद खान के बाद मिशेल मार्श आए थे वो नहीं खेल पाए तो मैच ऐसे हैदराबाद के हाथ से चले गया. एंड एंड मैं इसी बात से करूँगी कि एज आई टोल्ड यू ऑल कि ये मैच बॉलर्स के बारे में मुझे कहना चाहिए, बहुत ही काबिले तारीफ खेला उन्होंने एंड यंग बॉलर्स जो यंगस्टर्स का मैच रहा है ये एंड यंगस्टर्स का मैच देखने मिला है हमें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा है एंड
Bangalore registered their win in IPL in their first match. So this was it guys, and मैं आज के मैच का भी रिव्यू करूँगी आपके लिए, मे बी आज और या फिर कल करूँगी पोस्ट रिव्यू. सो बने रहिए मेरे साथ, एंड आई होप आपको मेरे रिव्यूज़ ठीक ठाक लग रहे होंगे. मैं ज़्यादा जितना अच्छा कर सकती हूँ अपनी तरफ से उतना कर रही हूँ, बिकॉज़ आई एम न्यू टू क्रिकेट, पहला IPL देख रही हूँ मैं. सो डू गिव मी योर सजेशंस एंड इन द कमेंट्स बिलो दैट इफ हाउ आई कैन इम्प्रूव यू नो मोर इन क्रिकेट रिव्यूज़. बाय गाइज.